इन केस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम फोर एक्सिस रफिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि पावर मिल के अंदर इसकी स्ट्रेटजीज को किस तरह क्रिएट किया जाता है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह पावर मिल के अंदर फोर एक्सिस पोस्ट प्रोसेसर को यूज़ करते हुए एनसी कोड को किस तरह जनरेट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा एक मॉडल पावर मिल 2019 के अंदर इंपोर्ट किया हुआ है। इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर फोर स्लॉट्स मैंने बनाई हैं। इनको हम इंडेक्सिंग की मदद से, फोर एक्सिस इंडेक्सिंग की मदद से हम इसकी मशीनिंग करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसका ब्लॉक कैलकुलेट करवाना है। तो ब्लॉक को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको कैलकुलेट करवाता हूँ। अब हमारा जो जॉब है वो सिलेंड्रिकल है, तो हमें ब्लॉक भी सिलेंड्रिकल ही बनाना है। तो जब हम सिलेंडर कैलकुलेट करवाते हैं तो ये जी डायरेक्शन में बन जाते हैं। हमें इसको अपने वर्कपीस के अलोंग बनाना है, तो उसके लिए हमें एक नया वर्क प्लेन लगाना पड़ेगा जिसकी जी डायरेक्शन हमारे वर्कपीस के अलोंग हो। तो उसके लिए हमें यहाँ से पहले इसको बॉक्स के ऊपर डिफाइन करके इसको कैलकुलेट करवाना है, एक्सेप्ट करना है और एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करना है जिसको वर्क प्लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। सेंटर के अंदर हम इसको प्लेस करेंगे और वर्क प्लेन एडिटर के अंदर जाकर हम इसकी जी की डायरेक्शन को चेंज करेंगे स्वैप एक्सिस की मदद से। ये हमारा जी एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस हो गया। इसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आप इसको एक्टिवेट करें। अब हम ब्लॉक के अंदर जाकर दोबारा सिलेंड्रिकल करवाएंगे इसकी कैलकुलेशन, और इसके साथ साथ हम यहाँ से नेम्ड वर्क प्लेन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके वर्क प्लेन वन सिलेक्ट करके कैलकुलेट करवाएंगे। तो ये हमारा ब्लॉक कैलकुलेट हो चुका है। अब इसके बाद ये हिस्सा जो है ये हमने मशीन नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम वर्क प्लेन को जितना हमारा ये बाहर वाला हिस्सा है इतना हम वर्क प्लेन को अंदर की तरफ ले आएंगे। तो मैं इसको अंदर की तरफ ले आता हूँ। ये मैंने 20 mm लेंथ रखी है, तो मैंने ब्लॉक को 20 mm अंदर की तरफ कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह हमने ब्लॉक को कैलकुलेट करवा लिया विद द हेल्प ऑफ वर्क प्लेन। अब जो अगला प्रोसेस है वो इसकी मशीनिंग का है। तो हम वन बाय वन इन स्लॉट्स की रफिंग करवाएंगे। सबसे पहले हम इस लॉट की रफिंग करवाने जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए मॉडल एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो वर्क प्लेन है वो हमारे पास जो जनरल वर्क प्लेन है हम वो यूज़ करेंगे, और ब्लॉक हमने कैलकुलेट करवा दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक टूल क्रिएट करेंगे एंड मिल फोर का। लिमिट्स के अंदर अगर आप लिमिट सेंटर ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट करें, मॉडल एरिया क्लियरेंस ऑफसेट ऑल कन्वेंशनल कन्वेंशनल, टॉलरेंस 0.03, थिकनेस वॉल 0.254, बेस जो है वो 0 रहेगी, स्टेप ओवर 2, स्टेप डाउन 1 का। इसके बाद ऑफसेट के अंदर आप आकर आप मेंटेन कट डायरेक्शन को अनचेक कर दें, ये ऑटो रहेगी, स्टेप कटिंग वॉल फिनिशिंग फ्लैट। इसमें आप अलाउ टूल आउटसाइड फ्लैट इसको अनचेक कर देंगे, और इसी तरह आप फाइंड फ्लैट्स ऑन ट्राइंगल ये भी अनचेक कर देंगे। हाई स्पीड में ऐसा ही रहेगा, ऑर्डर यही। फिर उसके बाद अप्रोच के अंदर आप जाकर ऐड अप्रोचेस फ्रॉम आउटसाइड इसको भी अनचेक कर देंगे। टूल एक्सिस हमारे वर्टिकल ही रहेंगे, और आप रैपिड मूव्स के अंदर आकर यहाँ से सिलेंड्रिकल मूव्स सिलेक्ट करेंगे जो हमारे पास यहाँ पर 40 और 35 है। आप इसको 40 35 नहीं करेंगे बल्कि 50 50 करके इसको हम कैलकुलेट करवाएंगे। इसको 50 50 रखने की वजह यह है कि अगर हम इसको कम करते हैं मैं अपने वर्क पीस के लिहाज से, तो जब हमारा टूल पाथ एक स्लॉट से दूसरी स्लॉट्स की तरफ मूव करता है तो उसका वर्क पीस के अंदर प्लंज होने का, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो इसके लिए ये सेफ़ डिस्टेंस रखना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम
ताकि वर्कपीस एक स्लॉट मुकम्मल करने के बाद जब दूसरी स्लॉट की तरफ जाए तो वो वर्कपीस के अंदर पेनिट्रेट ना करे, डैमेज ना करे उसको, बल्कि सेफ एरिया में गुजर जाए। तो हमने एक स्लॉट को कंप्लीट कर लिया रफिंग की मदद से। अब हम दूसरी स्लॉट की रफिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे। अब ये जो स्लॉट्स हैं, मैंने ये 90 एंगल के ऊपर, इस सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर मैंने बनाई हैं, तो मुझे ये जो हमारा वर्क प्लेन है इसको भी 90 डिग्री पर ही रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस 90 डिग्री रोटेट करके, एक्सेप्ट करके इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर दिया। अब आप इसको एक्टिवेट करेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू लेता हूँ। तो अब आप ये देखें कि जिस स्लॉट को हमने अब मशीन करना है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हम दोबारा से यहाँ से मॉडल एरिया क्लियरेंस का टूल पाथ बनाएंगे। इसमें सारी की सारी ऑप्शंस वैसे ही रहेंगी जिस तरह के पहले टूल पाथ के अंदर थी, और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हमारी दूसरी स्लॉट भी मुकम्मल हो गई। फिर इसके बाद हम एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करेंगे, और फिर से हम सारे के सारे स्टेप प्रीवियस उनको दोहराएंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। तो अब ये स्लॉट हमारी मशीनिंग के लिए सामने आ चुकी है। इसमें सारे के सारे जो हमारे स्टेप्स हैं वो वैसे ही रहेंगे, हम जस्ट इसको कैलकुलेट करवाएंगे। हमारी थर्ड स्लॉट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है आखिरी स्लॉट की, तो उसके लिए भी हमें नया वर्क प्लेन ही क्रिएट करना पड़ेगा। वर्क प्लेन 4 को हम यहाँ से एक्टिवेट करेंगे, और आइसोमेट्रिक व्यू लेके हम वो स्लॉट सामने ले आएंगे, हम इसकी रफिंग करवाएंगे। कैलकुलेट, तो ये हमने लास्ट वन स्लॉट की भी रफिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम इनसे एनसी कोड जनरेट करना चाहते हैं। अब ये अलग कोड है, ये अलग कोड है, ये अलग कोड है, और ये अलग है, तो हम इनको मर्ज करना चाहते हैं और एक फाइल के अंदर बनाना चाहते हैं। तो हम अगर इसको मर्ज करेंगे तो वो कहेगा कैन नॉट अपेंड टूल पाथ विच इनकॉन्सिडेंट कॉन्सिडेंट वर्क प्लेन्स। अब इसका वर्क प्लेन डिफरेंट है, इसका वर्क प्लेन डिफरेंट है, इसलिए ये आपस में मर्ज नहीं हो सकते। तो हम फाइल भी इसकी एक ही बनाना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि हम एनसी प्रोग्राम के अंदर इन सबको मर्ज कर देते हैं। वो कैसे करते हैं अब हम वो करेंगे, और आप उसको देखें। एनसी प्रोग्राम के अंदर आकर हम क्रिएट एनसी प्रोग्राम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऐड टू एनसी प्रोग्राम हम इसको कर देंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक प्रोग्राम बना है, और उसके अंदर ये चार के चार टूल पाथ हमारे इसके अंदर मर्ज हो चुके हैं। अब आप देखिएगा कि मैं इस जो हमारा एनसी कोड है इसको सिमुलेट करवाऊंगा, तो हमारी सारी की सारी स्लॉट्स जो हैं वो एक ही प्रोग्राम के अंदर हमें नज़र आएंगी। स्टार्ट करते हैं। ये देखें आप,
हमारी जो फोर स्लॉट्स हैं वो एक ही प्रोग्राम के अंदर मशीन हो चुकी हैं। हमें अलग अलग से प्रोग्राम को जनरेट करके और मशीन के स्पिंडल को इतने डिग्री घुमा के मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने सारी की सारी स्लॉट्स को हमने मशीन कर लिया। अब इससे अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो ये है कि हमने एक एनसी फाइल जनरेट करनी है जिसको मशीन रीड कर सकती है। तो वो मेरे पास फोर एक्सिस की एक फ़ाइल पड़ी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब मैं एनसी प्रोग्राम जनरेट करता हूँ, उसके लिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, सेटिंग के अंदर जाकर मैंने डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल रखी हुई है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको 256 के नाम से रख के इसको मैं राइट करवा रहा हूँ। तो ये हमारा जो एनसी कोड है वो पोस्ट प्रोसेस्ड हो चुका है, अब मैं उसको दिखाता हूँ आपको। ये वो हमारी एनसी फाइल है जो कि मशीन रीड करेगी। इसमें ये देखें कि हमारे पास X, Z और A270, ये हमारा फोर एक्सीज है A270, और इसी से ही हमारी फोर एक्सीज की मशीनिंग पॉसिबल है। तो इसमें देखें कि जब ये मशीनिंग कर रहा है A270 तो हमारा एक्सीज इस पे ही स्टिल रहेगा, यानी अभी ये एक स्लॉट इसमें मशीनिंग हो रही है। जैसे ही ये दूसरी स्लॉट की तरफ जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा दूसरी स्लॉट शुरू हो चुकी है A0, ठीक है। इसी तरह ये डिग्रीज के अंदर है, ए की वैल्यू डिग्रीज के अंदर। इसी तरह ये हमारे पास A90 है और हमारे पास 180 है, मतलब जिस तरह एंगल हमारा रोटेट होता जा रहा है इसी तरह ए की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होती जा रही है। तो इस तरह आप पावर मिल के अंदर रफिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं, इसी तरह आप फिनिशिंग के टूल पाथ भी इसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। आपको जस्ट इसके अंदर वर्क प्लेन की पोजीशन को चेंज करना होता है या रोटेट करना होता है। तो ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग थी, अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग आ जाए जिसमें हम वर्क प्लेन को चेंज करके भी टूल पाथ की रफिंग हम नहीं कर सकते वर्क पीस की, तो उसके लिए एक दूसरा तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट ज़रूर है लेकिन उससे हो सकता है। वो इंशाल्लाह मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर उसको डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।